दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप एमपी के निवासी है, मध्य प्रदेश के निवासी है और आप अपने जमीन का, अपने लैंड का खसरा किस्तबंदी या खतौनी या नक्शा निकालना चाहते हैं तो आप किस तरीके से फ्री में खसरा किस्तबंदी या नक्शा निकाल सकते हैं अपने जमीन का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ये चीज निकालने के लिए लोक सेवा केंद्र जाना पड़ता है, या तो एमपी ऑनलाइन से ये चीज निकलती है और एक रकबे का जो चार्ज है वो 30 रुपये होता है। तो वो तो एक तरीका हो गया जिससे आप एमपी ऑनलाइन से ये अपना खसरा हो गया, किस्तबंदी हो गया या नक्शा हो गया निकाल सकते हैं। लेकिन आप डुप्लीकेट निकालना चाहते हो बिना ओरिजिनल साइन वाला, डुप्लीकेट जस्ट फॉर सीइंग पर्पस, तो आप सीधे अपने ब्राउजर पे जाइए और आपको यहाँ पर टाइप करना है mpbhulekh.government.in। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यह है आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भू अभिलेख करके एक ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अपना जिला सिलेक्ट करने का। तो अभी हम जिला सिलेक्ट करते हैं अपना छिंदवाड़ा, तहसील में ले लेता हूँ पांडुना, गांव समझ लीजिए हमारा गांव है, कोई भी एक गांव ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ अभी मालेगांव दे लेता हूँ। यहाँ पे मालेगांव है क्या? मेरा मालेगांव है, ये रहा मालेगांव। और यहाँ पे काय से आप भू स्वामी के नाम से देखना चाहते हो, यहाँ पे आपको नाम सर्च करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे सभी के नाम आ गए, या आप खसरा नंबर अगर आपके पास में तो खसरा नंबर से भी कर सकते हैं या प्लाट संख्या से भी कर सकते हैं। मैं खसरा संख्या से सर्च करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अभी देखना चाहता हूँ 67/2, ये किसका है। यहाँ पे मुझे एक जो भी कैप्चा आ रहा है वो डालना है और मैं यहाँ पे कर देता हूँ विवरण। देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे उसकी डिटेल मेरे सामने आ गई है। यहाँ पे ये भू अभिलेख में 66/5 और 67/5 ब्लॉक नंबर और ये सारी डिटेल आ गई है। अगर मुझे इसका खसरा देखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पाइसमैन कॉपी, मतलब डुप्लीकेट बिना साइन वाली, यहाँ पे मेरे सामने कॉपी आ गई है खसरा की। इस पे यहाँ पे प्रिंट करके मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। इस तरह के आप नक्शा देखे पे क्लिक करके नक्शा भी देख सकते हैं, और अगर आप खतौनी देखना चाहते हो तो आप खतौनी पे क्लिक करिए और आपका खतौनी यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है कि अगर आप एमपी के निवासी और आप अपनी जमीन का रकबा देखना चाहते हो, जमीन का देखना चाहते हो, डिटेल्स देखना चाहते हो, खसरा किस्तबंदी देखना चाहते हो बिना कोई पैसे खर्च किए, तो आप ये डुप्लीकेट खसरा किस्तबंदी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।